वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारमीन। सारमीन कहाँ से हो? कश्मीर से। कश्मीर से? तो कितना साल हो गया यहाँ पे आए? 4 साल। 4 साल से? तो कितने बहन भाई के लिए? 2 भाई 1 बहन। तो वहाँ से यहाँ तक सफर कैसा रहा, क्या हुआ, ऐसे क्या मतलब हुआ आपके साथ यहाँ पे आए? अच्छा ही गुजरा सफ़र, लेकिन मामा की बहुत ही सुबह से हाँ। घर में कोई मसले में सैर थे, इस वजह से हम इधर आ गए थे। तो मामा की मेरे बाबा काम करते हैं जी। दो भाई 1 बहन। दो भाई एक बहन। दो भाई क्या कर रहे? भाई एक कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और एक दूसरे दारे में सबक पढ़ रहा है। अच्छा, तो बाबा के लिए आते हैं जी? तो मामा की आते जी। मतलब कितने टाइम हो गया मामा कुछ? काफ़ी अर्सा हो गया, 3 साल। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब अपने सर के बारे में बताओ, उनके बिहेवियर कैसा? वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब हर चीज़ से हमें कमी कभी नहीं होने देते हैं। बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह हमारा हर फर्ज पूरा करते हैं, जो हम कहते हैं वही हमारे करते हैं और वही मानते हैं। तो बाबा को भी अपने बाबा मिलने आते हैं जी? तो कभी मिलने आते तो आप क्या फरमाइश करते हैं? हर किस्म की फरमाइशें करते हैं जी। तो क्या करते हैं? मेरे बाबा इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं। तो घर घर में जाती हैं आप यहीं पे रहती हैं? जाती हूँ। ईद वगैरह कहाँ पे गुजारती हैं? घर में, कभी कभार इधर या कभी घर। तो इनको क्या कहती हैं आप सर को? अब्बू। अच्छा, इनको भी अब्बू कहती हैं जी। और इनकी वाइफ को क्या कहती हैं? अम्मी। तो कुछ मंगवाना हो, कुछ चीज़ किसी चीज़ की तलब हो तो कैसे कहेंगे? अब्बू आज मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरह कौन सी क्लास में आप? 3/9 में। 3/9 में। अच्छा, क्या करने, क्या सब्जेक्ट रखते हैं और क्या आगे? क्या बायो रखी है। आगे क्या बनना? वकील। वकील बनना है जी। मतलब आप पक्का इस बात के लिए है कि मेहनत करेंगे वकील बनेंगे? जी इंशाल्लाह। मेरा नाम कल्सूम है। कल्सूम, यहाँ पे कब से हो? 4 साल हो गए। क्या बस सब कुछ था बहुत अच्छा, फैमिली की तरह है बस जी। हमारे साथ आंटी होती हैं, उसको हम अम्मा कहते हैं, तो उनके साथ होते हैं हम। मैं अभी आमा में, आगे स्कूल पढ़ूंगी तो डॉक्टर बनूंगी। अभी तो आलिमा का कोर्स करके इसके बाद डॉक्टर का। मैं छोटी सी थी, आई थी जी। कुछ मसला नहीं था, बस पढ़ने आई थी अम्मी और अब्बू पढ़ने के लिए। हाँ जी जी। हम 3 बहनें और 4 भाई हैं। वो इधर नहीं है, वो उधर है, बड़ी है। बस आके नमाज पढ़ते, नमाज के बाद खाना खाते, खाना के बाद मदरसे का सबक याद करते। तो यहाँ के मामा कैसा लग रहा? बस बहुत अच्छा लग रहा। तो बस बहुत कुछ सीख रही हूँ, कुकिंग बहुत कुछ जी। बहुत जी। बस पार्क जाने की फरमाइश की थी, बस इधर नज़दीक पार्क है। बस हफ्ते में ले जाते हैं, कभी महीने में। बस दोनों है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे खाने में। आज तो भूख नहीं थी, हमने नहीं खाया। और कभी चावल होते हैं, चिकन होता है, गोश्त होता है, बहुत कुछ।